स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपशिखा टेक्निकल क्लासेस। दीपशिखा टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया बीम टू बीम कनेक्शन और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्शन थे, सीटेड ट्रिम, उन सब के बारे में बताया। इस क्लास में आपको मैं बताऊंगी कॉलम टू बीम कनेक्शन के बारे में। तो इसके लिए आपको कॉलम का साइज दिया होता है ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो ये हमारा क्या होता है, कॉलम का डायमेंशन होता है। तो ये आपको गिवन रहता है ISHB 350। और बाकी की जो इसकी सारी डिटेल्स हम क्या करते हैं, स्टील लेवल से निकालते हैं। बीम की भी इसी तरह आपको डायमेंशन दी रहती है ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जिसका डायमेंशन 250। और बाकी की डिटेल्स हम क्या करते हैं, स्टील टेबल से निकाल लेते हैं। तो अब इसका कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मान लीजिए कोई कॉलम है और ये हमारी बीम है, इसको हम सेम उसी तरह ये कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल फीट एंगल जो है वो लगाता है पूरे दोनों साइड, जो उसका दो साइड रहता है उसको यहाँ क्या करते हैं, लगा देते हैं आगे और पीछे। वैसे ही इस साइड में क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, क्लीट एंगल लगा, मतलब जो भी क्लीट एंगल है वो दोनों साइड मतलब आगे और पीछे क्या करते हैं, क्लीट एंगल से इसको कस देते हैं। ऐसे ही ऊपर भी क्या करते हैं, क्लीट एंगल लगा देते हैं और रिवेट से क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। ऊपर नीचे हर जगह हमने क्या किया, क्लीट एंगल लगाया और उसको क्या किया, रिविटिंग कर दी। यहाँ पे हमने क्लीट एंगल लगाया और रिविटिंग कर दी। क्लीट एंगल लगाया तो ये क्लीट एंगल कुछ इस तरह होता है, तो उसकी क्या होती है, मोटाई दिखाई देती है केवल। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, एलिवेशन बन जाता है। यहाँ पे जो क्लीट एंगल का उस एंगल का साइज लिया है वो 100x100x10 mm दिया है। तो ये वाला जो आपका पार्ट होता है 100 mm, तो स्केल पे हमने स्केल 1:10 लिया है, तो 100 mm का 1 cm आ जाएगा, तो 1 cm। और बाकी 10 mm है तो इसको भी स्केल से देखें तो 1 mm, तो 1 mm मोटाई का ये आपका हमारा वो दिखाया, क्लीट एंगल की मोटाई दिखाई देगी। और ये कॉलम है हमारा, तो ये हमने नीचे से ब्रेक कर दी, क्योंकि कॉलम की कोई भी लेंथ तो पता नहीं थी कि हाइट कितनी होगी। तो अब हम चलते हैं साइड एलिवेशन पर। साइड एलिवेशन बिल्कुल सिंपल है, जो हमारी बीम होगी, बीम का हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें दिखाई देगा और ये जो क्लीट एंगल लगे हुए हैं उनका हमें किनारे से व्यू दिखाई होगा कि क्लीट एंगल किस तरह लगे। तो ये हमारा क्या 100 mm, ये हमारा क्लीट एंगल का साइज है और ये क्लीट एंगल की थिकनेस है। और इसने हमने क्या किया है, बीम से रिवेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे और ये हमारा क्या है, कॉलम का सेक्शन है। जब हम यहाँ से लगेंगे तो हमें कॉलम का पूरा जो सेक्शन है वो दिखाई देगा। तो हमने ये कॉलम बना दिया और बाकी जो हमारी डिजायर कॉलम की जो स्पेसिफिकेशन की थी उसके अकॉर्डिंग बाकी हमने सारे डिजायर डिटेल्स की वो हमने इस पर क्या किया, लगा दी हैं। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, साइड एलिवेशन बन गया। तो कॉलम टू बीम कनेक्शन बहुत सिंपल है, अगर आपको बीम टू बीम कनेक्शन आता हो, केवल इसमें हम क्या करते हैं, रिवेटिंग और क्लीट एंगल प्रोवाइड कर देते हैं हर उस जगह जहाँ हमें लगता है स्टील को स्टील के साथ जोड़ना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।